हम सबकी ख्वाहिश है कि हमारा एक घर हो जो कि लेविश और लग्जीरियस लाइफस्टाइल बेस्ड हो। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं दीपिका राणा आपको लेके आई हूँ कासा होम्स मोहाली में, जो सेक्टर 115 मोहाली में सिचुएटेड है। 110 फीट की ग्रैंड एंट्रेंस आप देख रहे हैं, स्पैनिश थीम डेस्क प्रोजेक्ट है और जिसमें हम G+2 का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। एक एक डेडिकेटिंग पार्किंग हम आपको साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट में। अब हम आ गए हैं अपनी मेन एंट्री पे। अब एक फ्लोर पे हम दो ही फ्लैट प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए, ये है हमारा सैंपल फ्लैट। अब हम आ चुके हैं अपने सैंपल फ्लैट के ड्राइंग रूम में, जिसमें आप 9 सीटर सोफ़ा इजीली लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं सेम डाउन सीलिंग कंसील लाइट हम साथ प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही रहेंगी आपकी एसी की फिटिंग्स और साथ में प्रोविज़न दे रहे हैं हम आपके एलईडी का और साथ ही आपका बाहर का एक्सेस रहेगा विद मैश डोर एंड टफन ग्लास। ड्राइंग के एडजॉइनिंग ही रहेगा आपका डाइनिंग एरिया। इसका साइज रहेगा 22x11। सेम इसमें हम डाउन सीलिंग कंसील लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही रहेगी आपकी मॉड्यूलर किचन, ओपन किचन, जिसमें हम आपको डबल सिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। जैगवार की सैनिटरी फिटिंग्स होंगी। इस तरह से आपका आरओ का प्रोविजन रहेगा। ये कंप्रेस्ड वुड रहेगा और साथ ही हम आपको दे रहे हैं गीजर की फिटिंग्स और आपका एग्जॉस्ट का फिटिंग रहेगा। सेम सन फ्लेम की चिमनी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको और जो गैस पाइपलाइन रहेगी वो आपकी अंडरग्राउंड रहेगी, ये उसका नॉब रहेगा। इस तरह से किचन जो है हमारी मॉड्यूलर रहेगी। यहाँ आप अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। किचन के साथ ही रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। एरिया रहेगा इसका 10x12। इसमें हम आपको कबर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्लाइडिंग इस तरह से और ये एलईडी का प्रोविजन दे रहे हैं और साथ ही रहेगा बाहर का एक्सेस। साथ ही इसका अटैच वॉशरूम रहेगा जिसमें जैगवार की सैनिटरी फिटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और 7 फिट का टाइल वर्क रहेगा। अब हम आ गए हैं अपने मास्टर बेडरूम में। इसका एरिया रहेगा 10x16। इसमें फुल कबर्ड्स रहेंगे, सेम स्लाइडिंग डोर्स होंगे, फ्लोरिंग रहेगी इसकी वुडन फ्लोरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सेरामिक। और साथ ही रहेगा इसका अटैच वॉशरूम विद द ड्रेसिंग एरिया। मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में जैगवार की सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी, गीजर प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में आपको दे रहे हैं एग्जॉस्ट का प्रोविजन और एंटी स्किटिंग टाइल्स रहेंगी। 7 फिट तक टाइल्स वर्क रहेगा। मास्टर बेडरूम में इस तरह से एलईडी की प्रोविजन दे रहे हैं आपको और एसी की प्रोविजन रहेगी और आप देख सकते हैं कि किंग साइज बेड लगाने के बाद भी काफ़ी स्पेस बच जाता है जिसमें आप अपने हिसाब से काउच भी लगा सकते हैं। और साथ ही आपका बाहर का एक्सेस रहेगा विद मैश डोर एंड टफन ग्लास। इसके साथ ही आपको 8 फिट का बैकयार्ड मिलेगा जहाँ आपको आपका वॉशिंग एरिया रहेगा और ये दोनों बोथ रूम्स के साथ अटैच रहेगा, आपका किड्स बेडरूम के साथ भी और मास्टर बेडरूम के साथ भी। हमने सब एसीज की कंप्रेसर की फिटिंग पीछे रखी है क्योंकि हमारा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, एलिवेशन पे इफेक्ट ना पड़े इसलिए हमने अपनी एसीज की फिटिंग जो है पीछे रखी है। अब हम आ गए हैं अपने गेस्ट बेडरूम में। इसका एरिया रहेगा 10x12। और साथ ही इसका अटैच वॉशरूम रहेगा जिसमें जैगवार की सैनिटरी फिटिंग्स होंगी। और
और साथ ही आपको हम डक्टिंग दे रहे हैं वेंटिलेशन के लिए और एग्जॉस्ट की फिटिंग्स रहेंगी। इसी तरह से एलईडी का प्रोविजन दे रहे हैं और साथ ही एसी का प्रोविजन रहेगा और इस तरह से साथ में रहेंगी आपकी कबर्ड्स और ये आपकी फ्रंट बालकनी का एक्सेस रहेगा। सेम मैश डोर एंड टफन ग्लास आप देख सकते हैं। 4 फीट की बालकनी आपको मिल रही है जिसका एक्सेस आपका ड्राइंग डाइनिंग से भी रहेगा और आपका गेस्ट बेडरूम से भी रहेगा। ऑर्नामेंटल ग्रिल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह से मार्क करके आपकी पार्किंग रहेगी और आप देख सकते हैं कितना ओपन स्पेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कभी भी बात करने के लिए हमारे से नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।